दोस्तों नमस्कार, मैं विजय आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा ही है, जी हाँ, आप इस ट्रिक से अनलिमिटेड इंटरनेट रिचार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लोगों के मन में क्वेश्चन होता होगा कि आप, मैं तो जियो सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, मुझे रिचार्ज की क्या ज़रूरत है, या फिर नेट की ज़रूरत किसे है, मेरे पास तो 4G सिम कार्ड है। लेकिन दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी 2G का सिम इस्तेमाल करते हैं, जिनका 4G हैंडसेट अवेलेबल नहीं है, जो 4G हैंडसेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो 3G हैंडसेट यूज़ कर रहे हैं, तो उनके मोबाइल में जो है अभी भी 3G का सिम कार्ड यूज है, चल रहा है। तो ये लोग, ऐसे लोग इस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अनलिमिटेड रिचार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में बेल का आइकन होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेट टेक्स्ट को। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च में आपको टाइप करना है डेटा बैग। चलिए मैं सर्च किया, ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है, तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा डेटा रिचार्ज एंड डेटा सेव, आपको इसे ओपन करना है। ठीक है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले उसकी रिव्यू, उसका रेटिंग, उसकी डाउनलोड ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो उसकी रेटिंग जो है 4.3, जो वाकई इंटरेस्टिंग है, कमाल की है, और उसकी डाउनलोड 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मुझे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और एक OTP कोड आएगा जो आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद ये एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे आपको आपका एप्लीकेशन किस तरह दिखाई देगा, चलिए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। डेटा पैक जैसे आप चेक कर रहे हैं, मेरे फ़ोन में इस समय जो है 35 MB एंड 584 KB। ये एप्लीकेशन मैंने 2 दिन पहले इंस्टॉल किया था दोस्तों। इंस्टॉल करके मैंने खाली इसका यूज़ नहीं किया, बल्कि इसे केवल अपने फ़ोन में रखा है। लेकिन ये एप्लीकेशन करता क्या है, आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन जो कितना यूज़र्स आपके फ़ोन के इंटरनेट को कर रहे हैं उसे यूज़ करता है, उसे यूजर्स को ट्रैक करता है, उसके साथ साथ आपको नेट भी फ्री देता है। मतलब आपके फ़ोन में अगर ये इंस्टॉल है तो अगर आपका फ़ोन नेट यूज़ हो रहा है तो आपके फ़ोन में ये MB जो है सेव हो रहे हैं। मतलब आपका MB सेव होता है, आपका जितना MB सेव होता रहेगा उतना आपके बकेट में रहेगा, आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। अगर ये अकाउंट में बैलेंस ये जो MB आप यूज़ कर रहे हैं वो 150 MB से ज़्यादा हो जाता है तो आप उसका इस्तेमाल 2G 3G 4G या कोई भी इंटरनेट के लिए कर सकते हैं, कोई भी नंबर पे कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, आपको उस पर क्लिक करना है, बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ से फ्री पेटीएम कैश या फिर कन्वर्ट टू रिचार्ज का ऑप्शन आएगा। तो आप या तो उसे पेटीएम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसे रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में 150 MB तक आपका डाटा सेव हो जाता है तो आप इसे इस्तेमाल रिचार्ज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपका फ़ोन का इंटरनेट रिचार्ज करने में। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर हैं, इसमें आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 3G का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जानना है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी नेट की स्पीड कितनी है, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इसी एप्लीकेशन पर ही स्पीड टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन का इंटरनेट रिचार्ज क्या चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप हॉटस्कोप में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप डेली के हॉटस्कोप में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ आप पर डे एवरी डे आपको जो है फ्रेश हॉरोस्कोप इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आपके दोस्तों को या फिर आपके रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, और उन्हें भेज सकते हैं उनके दिन का हाल या फिर उनके महीने का। इसके अलावा इसमें जो है जोक्स भी हैं, इसमें आपको पर डे 10 जोक्स जो है रिसेंटली अपडेट होते हैं। अगर आपको जोक्स में इंटरेस्ट है, आपको जोक्स अच्छा लगता है तो अब ये जो है जोक्स आप शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो है सारे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, सारे एप्लीकेशन जो मेरे फ़ोन पे मेरे नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो ट्रैक डेटा पर क्लिक करके मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि मेरे फ़ोन में अब तक कितना रिचार्ज, कितना यूजेज हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा कौन से दिन ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन कौन से समय तक कितना यूज़ कर चुका है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीच में ऑप्शन देख रहे हैं, बीच में आपको स्टार का ऑप्शन दिख रहा है, आप उसे क्लिक करके तो आप रिचार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिचार्ज मीन्स आप जो है आप स्पिन एंड विन का ऑप्शन होता है, यहाँ आपको जो है स्पिन करके आप चेक कर सकते हैं कि आप स्पिन करके आप लकी रहे तो आपको 5 MB, 10 MB, 20 MB, 20 MB या फिर उससे ज़्यादा के रिचार्ज आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा के आपको बैलेंस आपको बैलेंस में आ सकते हैं। जैसा कि चेक करें मुझे ऑप्शन आ रहा है यू गेट 2 स्पिन एवरी डे, प्लीज़ कम बैक टू मानू जी। हाँ, मैंने अपना 2 स्पिन ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो मुझे जो है यूज़ नहीं करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको बता दूँ शेयर करने पर आपको 100 MB का डेटा आपके अकाउंट में ऐड होता है। आप उस 100 MB को बाद में कैश आउट कर बाद में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे पेटीएम में कैश आउट कर सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल रिचार्ज करने के लिए कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये इंटरनेट आप नॉर्मली अपने फ़ोन पर यूज़ ज़रूर करेंगे। इस एप्लीकेशन की मदद से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं और आपका डाटा सेव भी कर सकते हैं। आप जितना डाटा सेव करेंगे उतना ही बैलेंस आपके अकाउंट में शो करेगा। जैसे कि अब तक मैंने 35 MB सेव कर चुका हूँ, अब ये 35 MB को मुझे रिचार्ज करना है तो उसे केवल उस पर क्लिक करना है। उसके अलावा मुझे कन्वर्ट टू रिचार्ज पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से मैं रिचार्ज कर सकता हूँ। जैसे कि आप चेक करें रिचार्ज स्टार्ट एट 150 MB, मतलब ये है कि दोस्तों मुझे जब तक मेरा बैलेंस 150 MB नहीं होता मैं रिचार्ज नहीं कर पाऊँगा। तो नॉर्मली 150 MB हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही मैंने 2 दिन पहले यूज़ किया है तो अब तक मेरा 33 MB यूज़ सेव हो चुका है। इसका इस्तेमाल मैं बाद में इन फ्यूचर में रिचार्ज के लिए कर सकता हूँ। अगर आपको लिंक डाउनलोड करनी है तो मैं लिंक अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको एप्लीकेशन पसंद आया, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कुछ भी कमी नज़र आई या फिर आपको कुछ भी आपको लगा कि ये यूज़फुल काम की नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। Bye.